शेयर करते हैं आप लोगों के सामने बिजनेस प्लान कि वेस्टीज का जो बिजनेस प्लान है वो क्या है और हमें कैसे लाभ देता है, और ये सारे लाभ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिना किए कुछ नहीं मिलता है, यहाँ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट्स को कम कीमत में पाने के लिए हमको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और हर रजिस्ट्रेशन की आप जानते हैं कि कोई ना कोई फी होती है, होती कि नहीं होती, फीस होती है। पर हमारे यहाँ डे फर्स्ट से हमारी कंपनी ने कोई फीस नहीं रखी हुई है, ये टोटल फ्री है, ना ही आज हमने कोई पैसा लिया है, इस रजिस्ट्रेशन का कोई रिन्यूअल नहीं है, ये नो रिन्यूअल है, नो लैप्सेशन है, ये कभी लैप्स नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है बोले वो लाइफ टाइम के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी ने शर्त रखी हुई है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो मिनिमम 350 BV के, यानी बिजनेस वॉल्यूम के, जिसको हम रुपए में यदि हम बात करें तो लगभग 700 रुपए के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको फर्स्ट टाइम लेने हैं ऑन चॉइस। यहाँ पे कोई किट सिस्टम नहीं है, आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, जितने हमने प्रोडक्ट्स बताए हैं आपके घर में ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं, और ये सब जो है ना एक बार में नहीं लेना है, ये 30 डेज के अंदर हमको परचेस करना है, और आप यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि कंपनी आपको एक यूनिक आईडी नंबर देती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और एक हमको पासवर्ड देती है XYZ। इस आईडी पासवर्ड से हम ऑनलाइन हो जाते हैं और हम अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर जहाँ जहाँ हमारी कंपनी काम करती है वहाँ हम काम करने के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। नेट के माध्यम से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कहाँ काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। साथ में कंपनी के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं 7 तरह के लाभ लेने के, जिसको हम इनकम के रूप में देखते हैं कि 7 तरह की इनकम हमको यहाँ से मिलने के हकदार हो जाते हैं, जिसमें से हम एक बाई एक 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 करके देखेंगे। तो पहली जो इनकम हमारी होती है वो होती है रिटेल की, रिटेल प्रॉफिट। ये हमारा जो प्रॉफिट है ये पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। रिटेल प्रॉफिट कहते हैं MRP to DP के बीच के डिफरेंस। MRP जानते हैं क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई होती है। आज से रजिस्टर्ड होने के बाद हमें MRP में ना मिलकर थोक रेट में, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर हमको मिलने लगती है। इसका जो रेशियो होता है वो होता है 10 to 20%। अभी हम बिजनेस की बात नहीं भी करें तो यहाँ पर हमको एक पहला फ़ायदा ये होता है कि रजिस्टर्ड होने का पहला फ़ायदा कि हमको हर प्रोडक्ट 10 से 20% कम रेट पर मिलेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर एक हमारा स्पिरुलिना जो है वो उसकी MRP जो है 360 रुपये है। अब हमको रजिस्टर्ड होने के बाद उसकी DP जो है ना 300 हो जाती है, यानी 60 रुपये हमारी बचत हो जाती है, कम रेट पर मिलेगा। यदि आप इस स्पायरलोना का इस्तेमाल आप अपने घर पे कर रहे हैं तो ये 20% जो है ना हमारी बचत हो रही है, जो बहुत बड़ी बचत होती है। यदि हम यही स्पायरलोना के बारे में किसी नए व्यक्ति को बताते हैं और 10 रुपये का उसको छूट भी दे देते हैं तो 50 रुपये हमारी पॉकेट में आ जाता है। ये हमारी पहली इनकम हो गई दोनों चीज़ें। प्लस इसके साथ में हमको एक और फ़ायदा जुड़ जाता है, जितना प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं या लोगों को बताते हैं उसके ऊपर हमको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? अतिरिक्त बोनस इस छूट के अलावा हमको यहाँ पर मिलता है। इसका जो प्रतिशत होता है ये 5% से शुरू होता है, 8% नेक्स्ट लेवल है, फिर 11% का है, देन 14% का है, 17% का है, और ये 20% तक ये जाता है। हमारे इस बिजनेस प्लान की दूसरे बिजनेस प्लान के कंपैरिजन में
एक अहम पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारा बिजनेस प्लान है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जुड़ते क्रम का। मैं थोड़ा सा सामान्य भाषा में आपको बता दूं कि जैसे आपने अपने लिए 1,000 रुपये का सामान खरीदा पिछले महीने, इस महीने आपने फिर से 1,000 का खरीदा, पर साथ में दो दोस्तों ने भी, आपके दो फ्रेंड्स ने भी ये सामान को खरीदा 1,000 रुपये का। तो पिछले महीने का तो सिर्फ एक था, इस महीने आपका एक दो हो गए, और दो फ्रेंड्स के लिए आपने वो दो दो चार हो गए, यानी टोटल बिजनेस कितना हो गया, चार। और चार के ऊपर जितने पॉइंट मिलेंगे वैसे हमारे एक्यूमुलेट होते जाते हैं, यानी आपका, आपके ग्रुप का, इस महीने का, पिछले महीने का और पिछले महीने का, ये बिजनेस जुड़ता जाता है। और उस बिजनेस पर जो पॉइंट मिलते हैं, हम 5 से 8 में, 8 से 11 में, 14 में, 17 में और 20 में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमारे इस बिजनेस की दूसरी खूबसूरती है कि हमेशा यहाँ पर हमको प्रमोशन मिलता है, कभी भी डिमोशन हमारा नहीं होता है। बात करते हैं कि हमारे इस बिजनेस में जो पॉइंट मिलता है, जिसको हम पीवी कहते हैं, वो कितने में होता है। 26 रुपये 66 पैसे बराबर एक पीवी होता है हमारा, और रुपए का 60% जो होता है वो हमारा होता है बीवी, यानी बिजनेस वॉल्यूम। हम जितने बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं, हमारे लेवल से हमको कमीशन मिलता है। पर सवाल ये उठता है कि हम 5 से 8 में कब जाएंगे, 11 में कब जाएंगे, 14 में कब जाएंगे। तो यहाँ एक छोटा सा हम एक स्लैब चार्ट बना देते हैं कि हमारा जब बिजनेस एक पीवी से 500 पीवी होता है, तो हमारा लेवल रहता है 5%। यदि रुपए पे बात करें तो 500 पीवी कितने हो गए, लगभग 13,500 रुपये। जिस दिन भी जुड़ते जुड़ते प्लस होते होते 501 पीवी हमारा बिजनेस हो जाएगा, तो हमारा लेवल हो जाता है 8% में। पिछला सब जुड़ते हुए, एक महीने का नहीं, प्लस जुड़ते जुड़ते जिस दिन हम यहाँ पर 2,001 पीवी हो जाता है, तो हमारा लेवल हो जाता है 11% में। और पिछला जुड़ते जुड़ते हम आगे बात करते हैं, तो 4,501 पीवी होने पर हमारा जो लेवल हो जाता है 14 में, प्लस यहाँ पे 7,501 पीवी में हमारा लेवल हो जाता है 17 में। और जिस दिन भी जुड़ते जुड़ते 10,000 पीवी से प्लस हो जाता है, तो हमारा लेवल हो जाता है 20%। इस 5% से 20% में आने में कोई समय सीमा नहीं है, हम कभी भी आ सकते हैं। हम घर का छोटा मोटा सामान भी खरीदते खरीदते एक ना एक दिन 20% के लेवल में आ जाएंगे। बिजनेस की बात अभी यहाँ फिर भी नहीं करते हैं, आपको 20% छूट मिली, 20% उसके ऊपर कमीशन मिला, यानी जो 100 रुपये की जो चीज थी अब आपको 60 रुपये की मिली, बचत हो रही है। यहाँ पर यही सबसे खास बात है कि ये एक्यूमुलेशन जो है हमको प्रमोशन दिलाने में मदद करता है। यहाँ पर छोटे छोटे दो इम्पोर्टेंट स्लैब हैं यहाँ पर, कि आप 501 पॉइंट आने में आप आते हैं 8% में एक महीने के अंदर, 1 month में 283 पीवी का बिजनेस कोई व्यक्ति एक महीने में कर लेता है खुद और अपने ग्रुप के साथ में, तो कंपनी उसको जो है ना फास्ट 8% का स्लैब देती है, जिसमें उस महीने का कमीशन उसको 8% के हिसाब से मिलेगा, साथ में उसको 920 रुपये के प्रोडक्ट गिफ्ट में मिलते हैं। ये फास्ट एट की सुविधा है, कोई भी एक महीने के अंदर भी 20% में जा सकता है। 10,000 पॉइंट करने पड़ेंगे तब आप कहाँ पहुँचेंगे, 20। तो 10,000 पॉइंट के लिए कितना बिजनेस करना पड़ेगा भाई, 1 पॉइंट 27 रुपये का, 26 रुपये 66 पैसे मतलब 27 रुपये, तो 2,70,000, 2,70,000 का बिजनेस करना पड़ेगा हमको 20% में जाने के लिए, चाहे जितने दिन में करें। यदि कोई व्यक्ति एक महीने में 2 लाख रुपए का, 2 लाख का यदि बिजनेस कर जाता है, तो वो फास्ट डायरेक्टर बन सकता है। बहुत से ऐसे लोग रहेंगे कि वो ऐसा भी काम कर
कर सकते हैं, इसलिए हमेशा प्रमोशन होता है। अब क्या होता है कि हम धीरे धीरे आ गए 20% के लेवल में। 20% का जो लेवल होता है उसका मतलब हमारे यहाँ होता है कि आप कंपनी की एक सम्मानजनक पद डायरेक्टर पर पहुँच जाते हैं। डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि आप कंपनी के पार्टनर हो गए। यहाँ से कंपनी आपको तीसरे नंबर का फायदा और देती है जो होता है डायरेक्टर बोनस के रूप में। डायरेक्टर बोनस जो होता है वो 14% होता है, और ये निकाला कैसे जाता है, ये कंपनी के मासिक टर्नओवर से, मासिक टर्नओवर से निकालकर सभी डायरेक्टर व ऊपर लेवल में उनके काम के आधार पर दिया जाता है। मतलब एक कंपनी का जितना टर्नओवर होता है महीने का, उसके 14% बिजनेस वॉल्यूम को निकाल लिया जाता है। किनके लिए? डायरेक्टर और ऊपर वाले लोगों के लिए। देखिए, हमें यहाँ प्रोडक्ट में छूट मिल गई, हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किया या लोगों को यूज़ करवाया उसके ऊपर हमको यहाँ पर कमीशन मिल गया। अब उसी बिजनेस पर हमको डायरेक्टर बोनस मिला। ये डायरेक्टर बोनस पाने के लिए किसी भी डायरेक्टर को 2001 पीवी का बिजनेस करना होता है, जो रुपए में लगभग होता है 54,000 रुपये। पर ये उसको अकेले नहीं करना है, सेल्फ प्लस ग्रुप से हम ऐसा कर सकते हैं। यानी आपके टीम में 50 ऐसे लोग हों जो 1,000-1,200 रुपये का आपको प्रोडक्ट वो अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, तो आप डायरेक्टर बोनस पाने के हकदार हो जाते हैं। यहाँ तक बिजनेस करने के लिए आप चाहें तो अकेले भी कर सकते हैं, पर हमारी कंपनी का एक स्लोगन है, बेस लाइन है कि इन योर सक्सेस लाइव अवर सक्सेस, यानी आपकी सफलता में, यानी आपके लोगों की सफलता में ही आपकी सफलता है। तो यहाँ पर जैसे ये आप हैं, यदि आप कुछ दिनों के बाद अपनी टीम में एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनाने में सफल हो जाते हैं, जैसे आप डायरेक्टर थे, इसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं है, तो आपके डायरेक्टर को कितना बिजनेस करना पड़ेगा? 2001 पीवी। अब आपको कितना करना है? अब आपको करना है 1801 पीवी, यानी आपका बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया। बाकी की लाइनों से 1801 और इस लाइन से 2001 पीवी, ये है आपकी सिल्वर। जब आपकी टीम में एक डायरेक्टर हो जाता है, एक डायरेक्टर पर आप क्या हो जाते हैं? सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर का फायदा क्या रहता है कि हमको प्लस चौथी और प्लस पांचवी दो इनकम हमको और जुड़ जाती हैं। आपके डायरेक्टर को यहाँ तक की इनकम मिलेगी, आपको यहाँ पर मिलने लगता है ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड जो होता है ये पैसा नहीं मिलता है, ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता जाता है। इस फंड का इस्तेमाल हम साल में 2 बार तक फॉरेन ट्रिप्स में कर सकते हैं। ये होता है 3%, और ये इसी फार्मूले से अपने कंपनी के मासिक टर्नओवर से निकाला जाता है यहाँ पर। साथ में देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जो डायरेक्टर है, 2000 की जगह जो है ना, वो 5,625 पीवी का बिजनेस करने लगे और आप उतना ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी जो है ना आपको एक और फंड दे देती है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस हमको दे देती है, जिसको हम LOB बोलते हैं। एक बार मुझे ये फिर से एक्सप्लेन करिए, जो 5,000 वाला है। आप ठीक है, आपका जो डायरेक्टर है अभी तक 2001 पॉइंट कर रहा था और आप 1801 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको चौथे नंबर तक का फायदा मिला। आपका जो डायरेक्टर है अब वो और ज्यादा बिजनेस करने लगा। अच्छा,
5625 पीवी करने लगा, 90,000 बिजनेस वॉल्यूम, तो आपको एक और फंड यहाँ पर एलओबी के रूप में मिलने लगता है। ये जो होता है ये 15% होता है और ये भी कंपनी अपने टर्नओवर से निकाल कर देती है। वेस्टीज में सबसे ज़्यादा जो पैसे मिलने का जो सोर्स है बोले ये अनलिमिटेड है। यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी तक तो हमने एक व्यक्ति को सफल बनाया और हमको 5 तरह की इनकम मिलने लगी। अब थोड़ा सा फिगर हम और बना देते हैं। ये आप हैं, आपके टीम में एक तो था पहले से, 2 नए और आ गए, कितने हो गए? 3। 3 × बिजनेस कितना करना है? 2001 पीवी करीब। अब आपका जो बिजनेस है 1800 से जाकर यहाँ पर आ जाता है 1001। ज़्यादातर आप बिजनेसों में देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे लेवल बढ़ते जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारियाँ, हमारे साइट का बिजनेस और बढ़ता जाता है, पर यहाँ हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है यहाँ पर। अब हमको 3 और लाइनें जो खोल के रखी हैं या 13 खोल के रखी हैं उनसे सबसे मिलाकर हमको 1001 पॉइंट, उन तीनों डायरेक्टरों को कितना करना है? 2001 2001 और 2001, करेक्ट। यहाँ फिगर देखते हैं, जब आपकी टीम में 3 डायरेक्टर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3, तो कंपनी एक और डेजिनेशन दे देती है आपको स्टार डायरेक्टर का, और स्टार डायरेक्टर होते ही आपको छठी इनकम और कंपनी शुरू कर देती है कार फंड के रूप में। कंपनी कार नहीं देती है ना कार के लिए लोन देती है, वो कैश देती है। ये कार फंड जो है ये 5% निकाला जाता है कहाँ से? उसी फंडे से, कंपनी के मासिक टर्नओवर से। मिनिमम कार फंड जो होता है अपने इस सिस्टम में आने के बाद में कम से कम 2000 से लेकर 60,000 रुपये ये पर मंथ होता है और लाइफ टाइम हमको मिलता है। अब लाइफ टाइम का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ समय के बाद ये 2 लोग काम करना बंद कर दें, एक भी काम करता रहेगा तब भी आपको कार फंड मिलती रहेगी। 3 महीने का क्वालिफिकेशन रहता है, 4th महीने से हमको ये मिलना शुरू हो जाता है, फिर आपको जिंदगी भर ये मिलता रहता है। आप ये देखो कि ये जो कार फंड है ये हमारे यहाँ का बहुत यूनिक फंड कहलाता है, और इस फंड से हमारे यहाँ लोगों ने लग्जरी कारें खरीदी हैं। मैं आपको छोटा सा यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ दिखाता हूँ कि ये हमारी वेस्टीज कंपनी ने एक ड्रीम अचीवर जो है ना एक कार बुक डिज़ाइन की हुई है। इसमें वे लोग हैं जो इसी कार फंड से उन्होंने अपने लिए लग्जरी कारें खरीदी हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखते हैं कि इस फिगर में ऐसी लग्जरी कार, जिनको लग्जरी कार किसको बोलते हैं? BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, ऐसी गाड़ियां लोगों ने इसी कार फंड के माध्यम से ली हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखें, ये वो शख्स हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, नोएडा से हैं। इनकी महीने की इनकम वेस्टीज में 40 लाख के ऊपर है आज की डेट में। इन्होंने लगभग ये 1.25 करोड़ की गाड़ियाँ इन्होंने इसी कार फंड के माध्यम से ली हुई है। यहाँ पे ये अगले देखते हैं, जतिन नायक, ये उड़ीसा से हैं और इन्होंने भी ऑडी Q5 ली हुई है। ऑडी Q5 की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 72 लाख रुपए होती है, इन्होंने ये मेंटेन की है इसी कार फंड के माध्यम से। ऐसे आप देखिए, ये मिस्टर रमेश पुरानी जी, ये रमेश पुरानी जी ने, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, दिल्ली से हैं और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद वेस्टीज को स्टार्ट किया, और इन 11 साल के अंदर इनकी जो इनकम है लगभग 18 लाख रुपए महीने की है। और इन्होंने भी जैसे मर्सिडीज वैन, हुंडई की गाड़ी, सुजुकी की गाड़ी, ऐसी इन्होंने 4 गाड़ियां ली, और अभी हाल ही में ये मर्सिडीज का टॉप वर्जन जो है ना लगभग 1 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट है, वो अभी यहाँ पर ये लेने वाले हैं। साथ में बात करते हैं मिस्टर मोहंती, उड़ीसा से हैं, कहने के लिए तो बहुत पिछड़ा एरिया है, पर वहाँ से भी ये जो मोहंती हैं ये ऐसे शख्स हैं, आप देख रहे हैं कि मर्सिडीज वैन और भी 2 गाड़ियाँ उनके साथ में, और इनकी भी जो इनकम है लगभग 16 लाख रुपए पर मंथ की है। ये मिस्टर गुरशरण जी हमारे अपलाइन हैं,
ये भी अपने लिए इन्होंने ऑडी और साथ में ये मुंबई से हैं, इन्होंने भी अपने लिए देखिए मर्सिडीज वैन और हुंडई की गाड़ी ले रखी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये साउथ से मिस्टर राजन है यहाँ पर, ये देखिए ये उड़ीसा से सॉरी केरल वहाँ पटना से बिहार से हमारे ये कुमार कुलवेजे जी हैं, ये मिस्टर घोष वेस्ट बंगाल से हैं, इन्होंने BMW ली हुई है इसमें, ये हमारे MP से जो है ना सुरेश श्रीवास्तव हैं, उन्होंने BMW ली है, और अभी ये मर्सिडीज जो है ना अच्छा टॉप वर्जन जो है ना अभी ये इन्होंने ले ली है। साथ में ये पिपरिया से मिस्टर सुरेश जयवार हैं, इन्होंने ऑडी ली हुई है। बात करते हैं एक छोटी सी हाउस वाइफ साक्षी पांडे रायपुर से, उन्होंने BMW गाड़ी ली है और ये सिर्फ अपने 5.5 साल के करियर में। यहाँ बात करते हैं सरोज कुमार को, इन्होंने भी देखिए अपने लिए BMW के साथ में और भी गाड़ियाँ हैं। ये प्रतिभा भटनागर जो है गुजरात से हैं, इन्होंने अपने लिए BMW गाड़ी ली हुई है। ये मुंबई से ज्योति और विक्की जायसवाल हैं, इन्होंने अपने लिए ऑडी और शेवरलेट की गाड़ियाँ हैं, इन्होंने भी एक नई कोई फरारी वरारी गाड़ी अभी हाल में प्लान की है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये मिस्टर अपर्णा देव और हस्बैंड वाइफ मर्सिडीज, ये मिस्टर डॉक्टर हरीश रहेजा ये दिल्ली से हैं, इन्होंने ऑडी के साथ में इनके पास भी 3 गाड़ियां हैं। साथ में यहाँ पर और भी बात करते हैं कि अजय शर्मा जी के, ऐसे आप पाएंगे यहाँ पर कि ढेरों लोग हैं जिन्होंने ऐसे 1900 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसी लग्जरी जो है ना गाड़ियाँ मतलब उन्होंने ली हुई है यहाँ पर, ये इस तरह से ये गाड़ियाँ यहाँ पर आप यहाँ पर इनको देखिए, ये नीलिम एम्बेसडर है, इन्होंने स्कोडा की जो है ना 28 लाख की गाड़ी ये स्कोडा की ली हुई है इसी उसमें से, ये भी MP से हैं, यही जबलपुर में थी ये पहले, और आज ये यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश यहाँ से, इनकी 6.5 लाख रुपए करीब इनकम है आज की डेट में। ये मिस्टर HP साहू यहाँ पर, ये सक्सेना अनूप सक्सेना, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें जिन्होंने अपने लिए गाड़ियाँ ली हैं। एक छोटी सी जो पिक्चर है मेरी भी है यहाँ पर, क्योंकि हमने छोटी सी गाड़ी ली हुई है तो ये यहाँ पर है, देखिए नरेश कुशवाहा यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर जबलपुर मध्य प्रदेश, ये सर इस तरह से ऐसे बहुत सारे लोगों ने हैं, और ये अभी अप्रैल के महीने में इसका 2nd वॉल्यूम भी आने वाला है, यानी ये वो गाड़ी मतलब कार बुक है जो ड्रीम अचीवर है, जिन्होंने अपने ड्रीम अचीव कर चुके हैं, अचीव नहीं करने वाले हैं, ये हमारे पावर है इस हमारे फंड की मदद। थोड़ा सा इस बिजनेस प्लान में और आगे चलते हैं, ये आप हैं, अभी तक आपकी टीम में 3 डायरेक्टर थे, कुछ दिनों के बाद जो है 3 नए डायरेक्टर और आ गए, टोटल कितने हो गए 6। अब आपका बिजनेस कितना हो गया मिनिमम 2001 × 6, अब आपका यहाँ क्वालिफिकेशन जो है ना नील हो जाता है, अब आप साइड में काम करें या ना करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा है और ज़्यादा आपको इनकम मिलेगी, नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके टीम में 6 डायरेक्टर हो जाते हैं, कितने होते हैं 6, तो आपका एक डेजिनेशन हो जाता है क्राउन डायरेक्टर का, और यहाँ से क्राउन डायरेक्टर के बाद हमको 7वीं और आखिरी इनकम जो है वो हाउस फंड के रूप में मिलना शुरू हो जाती है। कंपनी आपको घर नहीं देती है, पैसा देती है, उस पैसे का इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं, घर खरीदना जरूरी नहीं है पर इस कार फंड के माध्यम से पहली बार कार खरीदना जरूरी है, क्यों, क्योंकि कंपनी आपकी एक लाइफस्टाइल भी चेंज करती है। ये हाउस फंड जो है ये 3% होता है, ये भी कंपनी अपने मासिक टर्नओवर से निकालती है। अकेले यदि हम हाउस फंड की बात करें तो कम से कम 3,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ, और ये भी हमको लाइफ टाइम हमको मिलता है। एक बार हम क्राउन तक के लेवल में आने के बाद यदि हम मेहनत करके अपने 6 डायरेक्टर मेंटेन करवा लेते हैं 3 महीने, फिर यदि इन 6 में से 5 भी गायब हो जाते हैं तब भी आपको 7 तरह की इनकम मिलती
रहती है, ये इसकी इस खास बात है। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं यहाँ पर, तो आप आते हो, जब हम स्टार्टिंग में रहते हैं तो शुरू में आपको 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये ही कम से कम आता है महीने भर में। हम यहाँ निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जैसे हम डायरेक्टर बनते हैं तो ये वो कंडीशन है जहाँ हमको 4 से 5 हज़ार रुपये मिनिमम आता है। ये सिल्वर की कंडीशन है जहाँ पे आपको 5 से 7 हज़ार रुपये महीने के आने लगते हैं। आप इन्हीं लेवल में आप 20-20 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना हुआ है। ये स्टार की कंडीशन है जहाँ हमारी इनकम 10 हज़ार रुपये से लेकर 25 हज़ार रुपये मिनिमम हो जाती है। जब मैं यहाँ था तो मुझे लगभग 32 हज़ार रुपये करीब मिलते थे, बिजनेस के ऊपर रहता है। क्राउन के लेवल की, किसी भी क्राउन की जो इनकम है मिनिमम 40 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये महीने की होती है, और यही इनकम अपनी है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम कितना समय लगाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम 1 महीने में भी कर सकते हैं, 4 महीने में भी कर सकते हैं, 4 साल में भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन